दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचे और भारत मंडपम में वन अर्थ पर पहला सेशन होगा। सुबह 10:30 बजे से सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होगा। ट्री ऑफ फायर पर पीएम के साथ वेलकम फोटोग्राफी होगी। दोपहर 3 बजे से दूसरा सत्र वन फैमिली पर होगा। और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, G20 से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में G20 का आयोजन आज और भारत मंडपम में वन अर्थ पर पहला सेशन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंचे और भारत मंडपम में वन अर्थ पर पहला सेशन होगा। तस्वीरें आप देखिए, ये खूबसूरत तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली से ये खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष यहां पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं। कई लोगों का आगमन, कई राष्ट्र अध्यक्षों का आगमन हो चुका है। जोरदार स्वागत किया गया है, स्वागत से गदगद नजर आए। और सुबह 10:30 बजे से सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होगा। ट्री ऑफ फायर पर पीएम के साथ वेलकम फोटोग्राफी होगी। इसी के साथ दोपहर 3 बजे से दूसरा सत्र वन फैमिली पर होगा। पहला सत्र वन अर्थ, वही दूसरा सत्र वन फैमिली। पहला सत्र 10:30 बजे, वही दूसरा सत्र 3 बजे से शुरू होगा, जो वन फैमिली पर होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये खूबसूरत तस्वीर G20 सम्मेलन में दमदार मेजबानी की जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्षों की। कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने भी वाले हैं और दुनिया में भारत का सख्त संदेश जा रहा है। कूटनीति के मंच पर नए भारत की ये चमक की तस्वीर आप देख सकते हैं। G20 सम्मेलन में दमदार मेजबानी करता भारत नजर आ रहा है और कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका जोरदार स्वागत किया गया है और स्वागत से वो गदगद नजर आ रहे हैं। दुनिया में भारत का सख्त संदेश जा रहा है G20 के माध्यम से और भारत मंडपम से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। G20 की मेजबानी भारत कर रहा है और ये सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। भारत मंडपम में महारथियों का आगमन हो चुका है। दुनिया भर में भारत का सख्त संदेश जा रहा है और आज दो सत्र होने वाला है। पहला सत्र 12:30 बजे और दूसरा सत्र 3 बजे। पहला सत्र जो वन अर्थ होगा वो 10:30 बजे होगा, वही दूसरा सत्र 3 बजे जो वन फैमिली पर होगा। और ये खूबसूरत तस्वीरें दिल्ली से आपके टीवी स्क्रीन पर। मंडपम से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है, राष्ट्रीय अध्यक्षों का आगमन हो चुका है, जोरदार स्वागत किया गया एयरपोर्ट का। तमाम कैबिनेट मंत्री वहां पर पहुंचकर उनका स्वागत करते नजर आए। एम सिरिल रामाफोसा एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, श्री एम सिरिल रामाफोसा, जो रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता रहे हैं, ट्रेड यूनियन के नेता रहे हैं, पेशे से व्यापारी भी रहे हैं। 2014 से 2018 तक आप दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति रहे और अब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के पद पर विराजमान और G20 शिखर सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एम सिरिल रामाफोसा का आगमन। हाल ही में ब्रिक्स समिट की सफल में और ये मंडपम से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर दुनिया में भारत का सख्त संदेश जाता दिख रहा है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और ये सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। और G20 को लेकर तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का यहां पर आगमन हो चुका है। ये उम्मीद की जाती है कि ये रोशनी पूरे विश्व को रोशन करेगी और ऐसे में आज जब मौसम भी बेहद सुहावना है, ये दिखाता है कि दिल्ली मौसम के साथ भी तैयार है अपने गणमान्य अतिथिगण का स्वागत करने के लिए। ये विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो शक्तिशाली नेता हैं और ये विभिन्न राष्ट्र जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विराजमान हैं,
इन सभी राष्ट्रों का और राष्ट्राध्यक्षों का एक ही मंच पर आज उपस्थित होना महत्वपूर्ण संकेत। और इस वक्त तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगान का भारत मंडपम में आगमन। 2003 से 2014 तक आप तुर्की के प्रधानमंत्री रहे हैं, इससे पहले आप इस्तांबुल के मेयर भी रहे हैं और अब तुर्की के राष्ट्रपति के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए और G20 के मंच पर अपने देश को प्रस्तुत करते हुए। तुर्की ने 2015 में G20 की अध्यक्षता संभाली थी और उस वक्त इंक्लूसिवनेस, इन्वेस्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन के 3 I के इर्द गिर्द पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी तुर्की की थी। और भारत की प्रेसिडेंसी में इंक्लूसिव एक पहला एजेंडा जिसको कहा जा सकता है और एक्शन ओरिएंटेड जो हमारा अंतिम एजेंडा है जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन के साथ जोड़ सकते हैं, तो दोनों ही प्रेसिडेंसी में काफ़ी समानता दिखाई देती हुई और बहुत ही। और 2015 में जब तुर्की की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था तब W20 विमेन 20 का भी एंगेजमेंट ग्रुप जिसका निर्माण किया गया था, जिसका गठन किया गया था और वहीं से महिला विमर्श के मुद्दों को भी आगे बढ़ाया गया, जिससे पहले G20 में कोई महिलाओं के मुद्दे पर विमर्श का अलग से कोई समूह नहीं था। तो तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्दोगान का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंक्लूसिवनेस की जब भी बात होती है महिलाओं की भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वक्त आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का आगमन भारत मंडपम में। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं, पहले ब्रिटिश एशियन जिन्होंने पद संभाला है और आप पहले राजकोष के चांसलर भी रह चुके हैं, ट्रेजरी के मुख्य सचिव भी रहे देश में और अब यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री पद को संभालते हुए ऋषि सुनक। हमने देखा कि कल जैसे ही वे हवाई जहाज से उतरे उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी के साथ गले मिलते हुए ऋषि सुनक के साथ और हैंडशेक करते हुए औपचारिक स्वागत। G20 का समर्थन और सबकी निगाहें होंगी भारत UK FTA वार्ता पर जो कि बहुत ही फाइनल स्टेज में है और दोनों नेता इसको अंतिम रूप दे सकते हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर होंगी कि भारत UK FTA को लेकर के दोनों देश कैसे आगे बढ़ते हैं और G20 के सभी मुद्दों पर समर्थन करते हुए ऋषि सुनक स्पष्ट तौर पर, खुले तौर पर, औपचारिक तौर पर भारत का समर्थन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप की तारीफ कर चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का भी आगमन। व्लादिमीर पुतिन नहीं आ पाए, उनकी जगह सर्गेई लावरोव रूस का प्रतिनिधित्व करते हुए। रूस एक शक्तिशाली देश जिसकी आवाज G20 शिखर सम्मेलन में महत्वपूर्ण रहेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और शायद पूरी दुनिया ये देखना चाहेगी कि रूस का क्या रुख रहा है भारत की प्राथमिकताओं को लेकर के और भारत की प्रेसिडेंसी में जो रशिया के कंसर्न्स हैं फूड सिक्योरिटी के मोर्चे पर या दूसरे जियोपॉलिटिकल टेंशन के मोर्चे पर उसको फाइनल डिक्लेरेशन में किन शब्दों में परिभाषित किया जाएगा, क्योंकि यही वो पैराग्राफ होगा रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के जिसमें सभी लोग ये पढ़ना चाहेंगे, रीड बिटवीन द लाइंस करना चाहेंगे कि क्या कुछ भारत की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। और अगर हम बाली डिक्लेरेशन की बात करें तो भारत का कहना है कि हम इस मुद्दे को बाली डिक्लेरेशन में जो अडॉप्ट किया गया था नेताओं के द्वारा उसको वहीं पर छोड़ना चाहते हैं और G20 की प्रेसिडेंसी में भारत विकास के मुद्दों को शामिल करना चाहता है, उस पर फोकस करना चाहता है क्योंकि ये एक इकोनॉमिक फोरम है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस को स्थान देने का इस फोरम, इसे एक मंच नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और लगातार हम कल से देख रहे हैं कि फॉरेन मीडिया भारतीय प्रतिनिधियों से भी बात कर रहा है कि कैसे इस मुद्दे को देखा जाएगा। और वैसे देखें तो बाली डिक्लेरेशन में भी रूस यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर अंत में जाकर सहमति बन पाई थी, जिसके बाद सही शब्दों के साथ पंक्तियों को जोड़ा गया था और बाली डिक्लेरेशन सामने आया था। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस बार भारत जिस तरीके से पूरे विश्व के विकास की बात कर रहा है, ऐसे में विभिन्न देश अपने सोच और एजेंडे को एक तरफ रखते हुए विश्व की बेहतरी के लिए एकजुट होने का आह्वान में भारत के साथ जुड़ेंगे, इस बात की उम्मीद की जा रही है। क्योंकि भारत भी लगातार जब से भारत ने अध्यक्षता संभाली है, भारत इन प्रयास में लगा रहा है कि विभिन्न देशों की अलग अलग आवाज़ों को कैसे एक साथ एक मत किया जाए और ऐसे में विभिन्न देशों को
चर्चाओं में भी साथ जोड़ने का प्रयास भारत का रहा है। और इस वक्त जाहिर है कि रूस के विदेश मंत्री क्योंकि पहुंच चुके हैं, उसके बाद जब चर्चाओं में वे शिरकत करेंगे तो रूस यूक्रेन संघर्ष का मुद्दा दिल्ली डिक्लेरेशन में किन शब्दों के साथ रखा जाता है, किस हद तक जगह मिल पाती है, उस पर सहमति बनाने पर भारत का और विभिन्न देश जो भारत के साथ इस मुहिम में जुटे हुए हैं कि इस दिल्ली डिक्लेरेशन को फाइनल किया जाए और सही तरीके से भारत विश्व के विकास को लेकर जो आवाज़ बुलंद कर रहा है, ग्लोबल साउथ के हितों को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है, उसको साथ मिल सके और सार्थक तरीके से उसे दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल किया जा सके, इसका प्रयास भारत तथा अन्य देश भी G20 शिखर सम्मेलन में कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी सभी देशों पर आती है कि अपनी सोच अपने स्वार्थ को दरकिनार करते हुए इस वक्त विश्व की बेहतरी के लिए, विश्व कल्याण के लिए सोचें और आगे बढ़ें ताकि कुछ ठोस एक्शन ओरिएंटेड एजेंडे सामने आ सके। तो भारत नहीं चाहता कि G20 को मंच बनाया जाए इस तरह की भू राजनीतिक जो टिप्पणियां हैं उसको लेकर के। बहुत सारे देशों ने ये कोशिश की दबाव बनाने की कि रशिया को लेकर के भारत की प्रेसिडेंसी की ओर से दबाव बनाया जाए। भारत ने दो टूक मना कर दिया कि ये एक विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करने का मंच है और इसको कूटनीतिक मसलों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और भारत कम से कम ऐसा नहीं करने देगा। बहुत सारे मुद्दों पर ज़रूर बात हुई और अंत तक ये मुद्दा हमने अपनी प्राथमिकता में शामिल रखा कि जो विकास के मुद्दे हैं वो कहीं पीछे न रह जाएं। और इस वक्त ट्रॉयका देशों के राष्ट्राध्यक्ष, जिनमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो का भारत मंडपम में आगमन, इंडोनेशिया जो पहले अध्यक्ष रहा है ट्रॉयका, यानी वे तीन देश ट्रॉयका में शामिल होते हैं जिनमें जिससे अध्यक्षता भारत ने ली और जिसे भारत अध्यक्षता देगा, यानी ब्राजील। और इस वक्त इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो का आगमन हो चुका है। आसियान समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के अध्यक्षता का पूरा समर्थन किया और G20 के लिए समर्थन की बात की। आसियान के मोर्चे पर भी उस मंच पर भी उन्होंने G20 के प्राथमिकताओं का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये सदी एशिया की है, ये सदी हम सब की है और इसलिए जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक है उस पर फोकस करना आसियान क्षेत्र को बहुत ही आवश्यक और ये ट्रॉयका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट। पहली बार ऐसा हो रहा है G20 के इतिहास में कि तीन विकासशील देश लगातार 3 सालों तक, अगर आप साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लें तो लगातार 4 सालों तक ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों की आवाज़ के तौर पर ये प्रेसिडेंसी उन मुद्दों को आगे बढ़ाती रहेगी। और इसलिए कहा जा रहा है कि जो भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी में जो लेगेसी छोड़ेगा जिन मुद्दों पर और मंडपम से लाइव तस्वीर आप देख रहे थे। और इसी बीच वक्त एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधा चलते हैं मंडपम की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर महाशक्तियों का महामिलन हो रहा है। देशों को एक सशक्त आवाज़ भी समझा जाता है विकासशील देशों की और इसलिए कहा जा रहा है कि जो ट्रॉयका है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत से प्रेसिडेंसी अब ब्राज़ील को सौंपी जाएगी और कल शाम इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राज़ील को आधिकारिक तौर पर G20 2023-24 की अध्यक्षता सौंपेंगे और इसके हालांकि ये सितंबर यदि कल डिक्लेरेशन किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रेसिडेंसी, उसके बाद भी भारत की ओर से काम जारी रहेगा 30 नवंबर तक। 1 दिसंबर से ऑफिशियली ये प्रेसिडेंसी जारी और विकासशील देशों को मुद्दों को प्राथमिकताओं के तौर पर ज़रूर शामिल किया जाएगा। पूरे विश्व को यही उम्मीद। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G20 शिखर सम्मेलन जिससे कुछ ही पलों बाद पहले सत्र का औपचारिक आरंभ होगा और उस पहले सत्र में वन अर्थ विषय है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जिस एकात्मवाद की सोच के साथ भारत आगे बढ़ रहा है, जिस बंधुत्व की भावना को भारत आगे बढ़ा रहा है, वो भावना इन चर्चाओं के तहत निकलने वाले आउटकम में भी परिलक्षित होगी
इस बात का अंदाजा, इस बात की उम्मीद लगातार की जा रही है। और ऐसे में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का भारत मंडपम में आगमन और उसके बाद पहले सत्र में उनका शामिल होना ये उम्मीद जताता है कि कुछ सार्थक चर्चा, सार्थक विमर्श निकलकर सामने आएगा। हम जानते हैं कि शेरपा ट्रैक पहले ही विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न मंचों पर, विभिन्न एंगेजमेंट ग्रुप्स और वर्किंग ग्रुप्स के सजेशंस, रिकमेंडेशंस को साथ लेकर डॉक्यूमेंट्स तैयार कर चुका है जिस पर मुहर लगाएंगे विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष। भारत मंडपम में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आगमन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं औपचारिक स्वागत और इस औपचारिक स्वागत के बाद, फोटो ऑप के बाद शुरुआत होगी पहले सत्र की। और चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चीन जो G20 शिखर सम्मेलन के विभिन्न मंचों पर, विभिन्न चर्चाओं में कुछ मुद्दों पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो आउटकम डॉक्यूमेंट आएगा उसमें एकमत, सहमति मिल पाएगी। भारत के वित्त मंत्री के साथ चीन के जो समकक्ष हैं वित्त मंत्री, उनकी मुलाकात गांधीनगर में हुई थी और उसके बाद ये उम्मीदें अब उठने लगी हैं कि चीन बहुत सारे मुद्दों पर शायद भारत का समर्थन कर सकता है, भारत की प्रेसिडेंसी का समर्थन कर सकता है। देखना होगा कि विकास के मुद्दों पर किस तरह से, फूड सिक्योरिटी के मुद्दे पर, डेट रेजोल्यूशन के मुद्दे पर चीन का क्या रुख रहता है। और भारत की प्रेसिडेंसी में जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं, चाहे वो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक की समीक्षा करना हो, क्योंकि वो शायद वो सबसे बड़ी चुनौती है 2030 तक। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वक्त हम मध्य में खड़े हैं जब इसकी समीक्षा करना बहुत ज़रूरी है। किसी को पता नहीं था कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस और कोविड जैसी दो संकटों से पूरी दुनिया का सामना होगा और उसका असर SDGs के जो लक्ष्य हैं उन पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। ऐसे में अब रिकवरी की तरफ वर्ल्ड का पूरे विश्व का फोकस जो है वो अब जाता हुआ, और इस रिकवरी को कैसे और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया जाए, कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए, उस पर लगातार भारत की प्रेसिडेंसी ने काम किया है और उसका नतीजा आज और कल की लीडरशिप समिट के दौरान पूरी दुनिया को दिखाई देगा। इस वक्त जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, ये उस दौर में हो रहा है जब विश्व कोविड महामारी से बाहर निकल रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं जो अभी कोविड महामारी से उबर रहे हैं। ऐसे में जो चुनौतियां सबके सामने हैं, खासतौर पर विकासशील देशों के सामने, हालांकि G20 हमेशा से एक आर्थिक मंच रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी इसके साथ जुड़ गए हैं और उसी के चलते इस बार के G20 शिखर सम्मेलन को भारत ने नए आयाम देने का प्रयास किया है। और ये भारत मंडपम के दृश्य जो सीधे आप तक पहुंच रहे हैं, ये भारत मंडपम जिसमें अब से कुछ ही पलों के बाद, औपचारिक स्वागत के बाद कुछ ही पलों बाद पहले सत्र का शुभारंभ हो जाएगा और जिसमें गंभीर विमर्श, गंभीर चिंतन सामने आ सकता है। भारत इस वक्त इस बात को सुनिश्चित कर रहा है कि सभी देश एकजुट हों। ऐसे में जब पूरे विश्व में इस वक्त देखा जा रहा है कि सब अपने स्वार्थ, अपने विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, भारत ने एक आवाज़ बुलंद की कि विश्व को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा, तभी संपूर्ण विश्व का विकास हो पाएगा। जलवायु परिवर्तन की चुनौती हमारे सामने है, सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने की चुनौती हमारे सामने है। ऐसे में कोई भी देश अकेला इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में सभी को एक मत होकर एक पृथ्वी के लिए कार्य करना जरूरी है। क्योंकि सभी देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, इसीलिए सभी देशों को एकजुट होकर, सबको एक साथ मिलकर एक कुटुंब की तरह निर्णय लेने होंगे और ठोस कार्य बना को आगे लेकर, लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम साझा भविष्य, एक भविष्य हासिल कर पाएंगे। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, चाहे उसमें हम विश्व शांति की बात करें,
विश्व की समृद्धि की बात करें, विश्व कल्याण की बात करें और उन देशों की बात करें जिन्हें अभी तक विश्व नज़रअंदाज करता आया है, उन सबको अगर आगे लेकर जाना है, विश्व को वाकई विकास करना है, तो भारत ने इसे परिभाषित किया है कि सबको सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए मिलकर आगे बढ़ना होगा, मिलकर कार्य करना होगा। और भारत मंडपम से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं और औपचारिक स्वागत का कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 अब अपने पहले सत्र की ओर धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता हुआ, जहां वन अर्थ पर चर्चा होनी है। पहले सत्र में तीन फोकस, तीन सत्र और फिलहाल जो देशों के राष्ट्राध्यक्षों का आगमन का इंतजार इस वक्त हो रहा है और भारत मंडपम में पहले सत्र के औपचारिक आरंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों का औपचारिक स्वागत का सिलसिला जारी। स्टूडियो में इस वक्त अंशु जोशी जी हमारे साथ हैं, JNU की प्रोफेसर। बड़ा फोकस भारत की जो अध्यक्षता है वो अब अंतिम चरण में आ चुकी है अंशु जी। जो प्रतिनिधि और विदेश से आए मेहमान हैं उनका इस अपने अध्यक्षता के एक साल में यहाँ स्वागत किया। हमने अपने देश में 60 से भी अधिक शहरों में G20 की 220 से भी ज़्यादा मीटिंग्स का सफलतापूर्वक आयोजन किया। हमने इसमें नए लोग जोड़े, हमने जो पूरे विश्व से आए हुए मेहमान थे, जो विश्व के अलग अलग प्रतिनिधि थे, उन्हें अपनी जनता से जोड़ा। हमने गवर्नमेंट टू पीपल और पीपल टू पीपल कनेक्ट पे बढ़ावा दिया, इसे हमने अपनी अध्यक्षता में करके दिखाया। हमने G20 के मंच के विस्तार की बात की और मुझे लगता है एक बड़ा डेलिब्रेशन ये आ सकता है कि जो अफ्रीकी यूनियन है वो G20 का सदस्य बनाया जाए। अभी तक एक संगठन के रूप में यूरोपियन यूनियन G20 का एक परमानेंट सदस्य है और हम ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से हमने समावेशी विकास को लेकर, सतत विकास को लेकर, साझा विकास को लेकर न सिर्फ अपने यूनिलेटरल लेवल पे और बायोलेटरल लेवल पे, हमने मल्टीलेटरल लेवल पर भी G20 के अध्यक्ष के रूप में अलग अलग सफल प्रयास किए और अब मुझे लगता है कि आज और कल जो घोषणाएं होंगी, जो तमाम रिपोर्ट्स प्रस्तुत होंगी, जो राष्ट्राध्यक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, उसमें हम भारत के इस महत्वपूर्ण योगदान को देख पाएंगे। क्योंकि भारत मंडपम में USA अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का आगमन हो चुका है। कल हमने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और कल हमने ये भी देखा कि कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जब दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले वो सीधे प्रधानमंत्री के आवास गए और वहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच जो वार्ता हुई उसके बाद कुछ ठोस परिणाम जो सामने आए उसमें दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंधों को जो पहलू परिभाषित करते हैं, जिसमें तकनीक भी शामिल है, जिसमें इनोवेशन भी शामिल है, जिसमें आर्थिक और व्यापार के मुद्दे भी शामिल हैं, इन्हें आगे बढ़ाने को लेकर प्रतिबद्धता दोबारा से जाहिर की गई। और ऐसे में G20 शिखर सम्मेलन से पहले भी अमेरिका की ओर से लगातार जो बयान आते रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत जिस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें अमेरिका भारत का पूरा समर्थन कर रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन जिनका भारत मंडपम में आगमन और अमेरिका के पहले स्टेट विजिट के दौरान जिन मुद्दों की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी उसको और आगे बढ़ाते हुए दोनों ही नेता अपने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान और G20 के मंच पर भी जो वैश्विक मुद्दे हैं, भारत की प्राथमिकता के मुद्दे हैं, अमेरिका ने उनका खुल करके स्वागत किया है। मल्टीलेटरल एजेंसीज इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स के मुद्दे पर अमेरिका स्पष्ट तौर पर भारत का समर्थन करता हुआ नजर आया है। UNSC की स्थायी सदस्यता का भी अमेरिका ने खुले तौर पर समर्थन किया है और ये स्पष्ट तौर पर अमेरिका कहता आया है कि अगर दुनिया की ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है तो भारत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बदलते हुए परिदृश्य में दुनिया की सोच को बदलना ही होगा
और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तब भी हमने देखा कि किस तरीके से उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने प्रधानमंत्री के दोनों तरफ से हाथ पकड़ के वे उन्हें अपने आवास के अंदर लेकर गए थे। और वो ये दिखाता है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कितने मधुर, कितने करीबी संबंध हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पीछे चित्रित, इस चित्र को राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक्सप्लेन करते हुए कि इसके मायने क्या हैं। समय का चक्र हमेशा चलता रहता है। एक सांकेतिक बयान कह सकते हैं इसे, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हमारे देश की संस्कृति में गौरव महसूस करते हैं और इसको सबके सामने रखते हैं, वो ये दिखाता है कि भारत जैसा सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विविध देश विभिन्न मंचों पर इस समृद्ध भारत की विरासत को प्रदर्शित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी भारत की एक ताकत है। तो अंशुल जी, मैं ये भी जानना चाह रही थी आपसे कि हम जब जन भागीदारी की बात करते हैं तो हमने देखा कि विभिन्न एंगेजमेंट ग्रुप्स में, उदाहरण के तौर पर महिलाओं की अगर मैं बात करूं,